वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आप एक सैलरी क्लास हैं, तो आपको पता होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर या कहीं सिबिल स्कोर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये वही स्कोर होता है जो हमारी पेइंग कैपेसिटी को दर्शाता है और उसके बेसिस पे हमें लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्रेडिट कार्ड बनेगा नहीं बनेगा, या फिर ये कहें कि आपके पैसा चुकाने की आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, ये वो स्कोर बताता है। आप सोचेंगे कि शायद क्रेडिट स्कोर आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ लोन लेने या क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए काम आता है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आपको बता दें कि आजकल नौकरी अप्लाई करते हुए भी क्रेडिट स्कोर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं काफी एम्प्लॉयर का ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर सही नहीं है, यानी कि उसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, हो सकता है कि उसके ऊपर कोई बड़ी रकम का लोन हो या फिर वो अपने पुराने कर्ज ना चुका रहा हो, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर हो, मेंटल दबाव हो और उसकी परफॉर्मेंस पर बाद में चलकर असर पड़े। इनफैक्ट सबसे ज्यादा असर पड़ता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं और आपका खुद का क्रेडिट स्कोर कमजोर है या खराब है, तो आपको नौकरी मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि कंपनीज का ये मानना है कि अगर आप खुद के क्रेडिट स्कोर को ठीक नहीं कर पाए, अगर आप खुद का अच्छा क्रेडिट स्कोर नहीं मेंटेन कर पाए, तो आप दूसरों को फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे देंगे। आपको बता दें कि क्रेडिट स्कोर 300 से लेके 850 अंक के बीच का नंबर होता है मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 पॉइंट से ज्यादा है, तो आपको कर्ज मिलना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि आपको क्रेडिट स्कोर पैरामीटर चेक करने की प्रोसेस बैंकिंग, इंश्योरेंस और टेलीकॉम जैसे कुछ लिमिटेड सेक्टर्स तक ही है, लेकिन अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको पता है क्या करना है। सिंपल इसके 3 रूल होते हैं। सबसे पहला कि पुराना लिया हुआ लोन समय पर चुकाना है। अगर आपने कोई लोन लिया है, उसकी ईएमआई यानी उसकी हर महीने की किस्त को नहीं रोकना है, और हाँ, अपना चलता हुआ इस्तेमाल करते हुए क्रेडिट कार्ड को बीच में बंद नहीं करना, क्योंकि ये तीनों चीजें आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं। अल्टीमेटली आपको शायद आज जरूरत ना पड़े, लेकिन आज से 5 साल 10 साल बाद भी अगर आपको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, तो वो एक मिस हुई भी ईएमआई आपकी हमेशा रेड के अंदर, सर्कल के अंदर आपको बनी दिखेगी। इसलिए क्रेडिट स्कोर इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर लोन क्रेडिट कार्ड, बट इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू गेट अ जॉब अपॉर्चुनिटी इन दीज डेज। इसलिए अपने क्रेडिट स्कोर का ध्यान रखें। क्रेडिट स्कोर से जुड़ी हुई वीडियोस और उसकी जानकारी के लिए बने रहें पैसो लाइफ पर। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर से जुड़ा कोई सवाल है, तो हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।